ॐ सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिश्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिर्भ्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। दूसरा मंत्र। दिव्यो यमूर्ता पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो वजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो यक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् इसी से, एतस्माद् एव पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि लक्षितात् जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूतो नामधेयो अनर्तात्मकः प्राणः वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् अनिर्तम् इति श्रुति अंतरात्। एतस्मादेव इसी तत्व से, इसी मंत्र में तो इतना है, एतस्मात् माने इसी से, इसी से तो किससे, किससे तो भाष्यकार ने कहा वह पुरुष है लेकिन परम पुरुष नहीं है। कौन है? नाम रूप बीज, नाम रूप का जहाँ पर सारे बीजात्मक स्थिति है,
सारे जगत का जो कारण है, जितना कुछ उत्पत्ति हुई ये सब जहां से उत्पन्न हुआ उसको यहां पर कहा गया है एतस्मात्। वो कैसा है? शुद्ध नहीं है, अविद्या विषय विकार भूतो। ये सारा का सारा जितना जगत है, चूंकि अविद्या के कारण ही जगत दिखाई पड़ता है, तो अविद्या कहीं ना कहीं तो है ना। अगर होती ना तो ये जगत फिर अविद्यात्मक कैसे दिखाई पड़ता? तो वह जो सोपाधिक ब्रह्म है, जो प्रकृति का स्वामी है, वो है एतस्मात्। उसी से सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ। तो ये जगत को आप अविद्या वाला कैसे कह रहे हो? साफ साफ श्रुति ने कहा है वाचारम्भणम विकारो नामधेयम। ये जितना का जितना नाम रूपात्मक जगत है, ये सब वाणी का विकार है, अनर्थम है, झूठ है, सत्य नहीं है, इसलिए अविद्यात्मक है। तो अविद्या से नाम रूपात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, तो अविद्या कहीं ना कहीं तो है, और वो परब्रह्म में हो नहीं सकती। तो किस में है? सोपाधिक ब्रह्म में। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं एतस्मात् एव, उसी से, सोपाधिक ब्रह्म से। ना ही तेन अविद्या विषयेण अनिर्तेन प्राणेन सप्राणत्वम् परस्य स्याद् अपुत्रस्य स्वप्न दृष्टेन एव पुत्रेण सपुत्रत्वम्। बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई अगर कोई यहाँ पर जो अविद्या के द्वारा जो दिखाई पड़ रहा है, अविद्या के द्वारा जो दिखाई पड़ रहा है, वो परम सत्य में नहीं हो सकता। जैसे सर्प है तो रस्सी में कभी भी सर्प हो नहीं सकता, तीनों काल में नहीं हो सकता। तो अविद्या से जो चीज़ दिखाई पड़ रही वो परम तत्व में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है कहाँ से? वो प्राण से ले करके और नाम रूप जगत तक, ये सब का सब अविद्या से पैदा हुआ। तो ये प्राण की भी उत्पत्ति का वर्णन आता है। एतस्मात् जायते प्राण, जायते माने उत्पन्न हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न हुआ तो अविद्या के कारण पैदा हुआ होगा। तो जो अविद्या के कारण प्राण भी उत्पन्न हुआ, इस प्राण से उस परब्रह्म को आप प्राण वाला कहो तो ये बात उचित नहीं। कैसे? जैसे स्वप्न में, स्वप्न में हमारा कोई पुत्र है और जगने के बाद अगर हम कहें कि मैं पुत्र वाला हूं, तो आपका वो भ्रम होगा, वो भ्रम होगा। यहां तक पढ़ा था, आगे एवं एवं मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि विषयाः च एतस्माद् एव जायन्ते तस्मात् सिद्धम् अस्य निरुपचारित अप्राणि अप्राणादिमत्त्वम् इत्यर्थः। देखो अभी उसी विषय पर है, ये जो ऊपर के मंत्र में है ना, एतस्माद् जायते प्राणः मनः और सर्वे इंद्रियाणि। तो कह रहे हैं एवं इस प्रकार से, भाष्य का एक एक शब्द पर ध्यान दें, एवं इस प्रकार से, एवं का अर्थ हुआ इस प्रकार से, मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि, मन और सारी इंद्रियां, सर्वाणि इंद्रियाणि में 11 इंद्रिय हो गई। सर्वाणि इंद्रियाणि जब भी कहेंगे तो 11 इंद्रिय लेते हैं। हाँ, कौन कौन? वहां पर 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। मन और यहाँ पर मन अलग से कर लिया है, तो यहाँ मन का अर्थ हो जाएगा पूरा अंतःकरण, पूरा का पूरा अंतःकरण, सब का सब। अच्छा, अब इंद्रियों के विषयाश्च, तो पूरा अंतःकरण, क्योंकि अगर बुद्धि को अलग नहीं करना है यहाँ पर, हाँ मन बुद्धि दो ही हैं अंतःकरण में, दोनों के अलग अलग पार्ट हैं। तो यहाँ पर मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि, तो समूचा अंतःकरण और सारी इंद्रियां और उन सब इंद्रियों के विषय, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियों के विषय, एतस्माद् एव जायन्ते, इसी से उत्पन्न हुए। एतस्माद् माने इसी से उत्पन्न हुए, किस से? सोपाधिक ब्रह्म से, सोपाधिक ब्रह्म से, जो माया का स्वामी है, जो उसी से उत्पन्न हुआ। इसलिए सिद्ध क्या हो रहा है? तस्मात्, इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, सिद्धम, ये बात सिद्ध हो गई। अस्य, यहाँ अस्य मतलब हुआ ए, यहाँ पर अस्य शब्द लिखा ना, तस्मात् सिद्धम अस्य, अस्य माने किसका?
अस्य माने किसका? वो शुद्ध ब्रह्म का। यहां अस्य का अर्थ स्वाभाविक ब्रह्म नहीं है। हाँ, तस्मात् सिद्धम, इसलिए एक बात सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गया? अस्य उसका, अस्य माने उसका, किसका? जो अक्षर से भी परे है, अक्षरात परतः पर, जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसका। निरुपचरितम, निरुपचरितम माने निर्विशेष, समस्त उपाधियों से रहित, जो वह मूल परब्रह्म परमात्मा है। अप्राणादिमत्वम इत्यर्था, वो कैसा है? वो अप्राण अमनः, इसके पूर्व के मंत्र में था ना, अप्राणो ही अमनः। वो उस सूत्र को छोड़ना नहीं है। तस्मात् सिद्धम, इसलिए एक बात सिद्ध हो गई, क्योंकि सोपाधिक ब्रह्म से ही ये सारा का सारा प्राण, ये सारी इंद्रियां, अंतःकरण और उसके विषय, सब कुछ ये सोपाधिक ब्रह्म से पैदा हुआ। इसलिए एक बात सिद्ध हो गई कि वह जो अधिष्ठान रूप निरुपाधिक ब्रह्म है, उसमें ये सब चीजें बिल्कुल कितना आसान सा है। तो वो बात जो पहले पूर्व की श्रुति में थी, अप्राणो ही अमना, तो परमात्मा शुद्ध ब्रह्म कैसा है? अप्राण और अमन, स्पष्ट हो गया। फिर से देखो इसी बात को, फिर से समझा रहे। यथाच, अभी और, यथाच प्राग उत्पत्ते परमार्थ तो असंत तथा प्रलीनश्च इति द्रष्टव्य। लो अब एक बात, यथा जैसे, यथा माने जैसे, और भी, च माने और, प्राग उत्पत्ते, उत्पत्ति के पूर्व, परमार्थ तो असंततः, जैसे ये प्राण इंद्रियां अंतःकरण इंद्रियों के विषय उत्पत्ति के पहले जैसे ये नहीं थे। यथाच प्राग उत्पत्ते है परमार्थ तो, तत्व दृष्टि से ये सब नहीं थे। तत्व दृष्टि से कौन नहीं थे? प्राण, मन, इंद्रियां, उनके विषय उत्पत्ति के पहले जैसे नहीं थे, परमार्थतः असंतः, जैसे पहले नहीं थे, तथा उसी प्रकार से प्रलीनश्च इति द्रष्टव्य। जब ये सब लय हो जाएंगे तो ये भी असल में नहीं होंगे। तत्व की दृष्टि से जैसे ये सब पहले नहीं था, तो ये सब जब लय हो जाएगा तो भी इनकी सत्ता नहीं रहेगी। हाँ, कुछ में, दोनों समय में, ये सब का सब जितना कुछ भी है, सब आपके मन का एक खेल है। ये मनी राम आपको दिखा रहे हैं, आप उसी में उलझ जाते हो। समस्या यही है कि जो मन दिखाता है उसको आप सत्य मान के बैठ जाते हो, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। अपनी समझ को, अपने मन के द्वारा दिखाई गई वस्तु को, चीज को, व्यवहार को, आप उसको सत्यत्व बुद्धि से पकड़ लेते हो, और फिर उसके बाद में फिर हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, सब का सब घटना शुरू हो जाती है। है क्या सारा जगत? हाँ, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा, यूं ही। रज्जब दोष न दीजिए, कोई कहे कुछ भी, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा। सारा जगत सब का सब, असली बात तो यह है कि तुम लोग यहाँ बैठे हो, बैठे नहीं हो, तुम लोग सुन रहे हो, सुन नहीं रहे हो। अब फिर ये मत समझना मैं बोल रहा हूँ और मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। जो इस बात को समझता है सोई समझता है, इस रहस्य को जो समझता है सोई समझता है। जो कह दे कि समझ गया, वो कहने वाला कौन है? कौन है कहने वाला? हाँ, उसने एक बात को पकड़ के बैठ लिया ना कि हाँ हाँ। अब एक देखो, अब देखो समझने की बात है, आप लोग कहाँ फंसते हो? फंसते कहाँ हो? कभी संत ने सुना दिया कि आप तो ब्रह्म हो, आप तो ब्रह्म हो, है ना, ब्रह्म हो। और हाँ, श्रुति कहती है, तो हमको क्या लगा
कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये आपका भ्रम हो गया, ये 100% भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ, क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि आपने समझा कैसे ब्रह्म, समझा ये कि इस शरीर के भीतर रहने वाला जो चेतन है वही मैं ब्रह्म हूं। देखो समझ यही हो रही ना, इस शरीर के भीतर जो रहने वाला चेतन है वो वही चेतन ब्रह्म है और वही मैं हूं। तो आपने उसको देह पर छिन्न मान लिया, बस देह रूपी उपाधि से आपने परछिन्न माना कि नहीं, बस यहीं पर फंस गए, यहीं फंस गए। जबकि देह इत्यादि है ही नहीं। आप वही कह रहे हो जैसे कह रहे हो घटाकाश महाकाश है, घटाकाश महाकाश है, असल में घट नाम की चीज है कहाँ? हमको तो घट नाम की सत्ता ही नहीं दिखाई पड़ रही। तो केवल एक महाकाश के अलावा और कोई चीज है? तो ये सब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पर हमारा जो है एक प्रतिबंध हो जाता है, हम भटक जाते हैं। सब सारा जगत, ये सारा का सारा जैसे उत्पत्ति के पहले नहीं था ऐसे प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए सारा जगत ये असलियत में है ही नहीं, है ही नहीं, बस केवल भ्रम है, अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी ही कभी आप विलाप मत करो, कभी आप भीतर से दुखी मत हो, कभी आप हो, अब फिर जब कभी पढ़ना होगा तो शायद हमने पढ़ाया नहीं कभी, आपका ये शरीर अन्नमय कोष है, ये पढ़ा हुआ है ना, अन्नमय कोष में अस्थि जायते वर्धते विपर्मते अपक्षीयते, ये इसका है, ये अन्न खाएगा अन्न से जीवित रहता है ना, अन्नमय कोष है। भीतर प्राणमय कोष हुआ, ये बात स्पष्ट है, प्राणमय कोष में 5 प्राण हैं, प्राण पान व्यान उदान और समान, और प्राण चलता रहता है तो शरीर को भूख प्यास लगती है। उसके भीतर मनोमय कोष है, यही ना, ये जो मनोमय कोष है वो क्या है? हाँ तो मनोमय कोष माने क्या? सुना है कि संकल्प विकल्प आत्मा कहा मन, ये सुना है ना, संकल्प विकल्प जहां पर होता है उसी का नाम होता है मन, ये सुना हुआ है। हाँ सुख दुख कहां होता है? बस गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया, किस पॉइंट पर फंसते हैं वही समझना। हाँ अच्छा, कर्ता भोक्ता भाव कहाँ होता है? कर्ता भाव कहाँ होता है? कर्ता भाव कहाँ होगा? कर्ता भाव मनोमय कोष का धर्म नहीं है, वो विज्ञान में कोष में होता है, कर्ता भाव विज्ञान में कोष में होता है। बड़ा विचित्र चिंतन है, विचार करोगे तो खूब अंदर क्योंकि ज्ञान के उपरांत ही आप कुछ करने के लिए प्रयत्न करते हो, बिना किसी चीज के ज्ञान के आप किसी चीज का कार्य करने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे। और कर्ता भाव में हम कर्ता भाव को लाते हैं, और मन तो ऐसा है कि वहां हमको लाना नहीं पड़ता, वो तो सहज चलता रहे, तो मन के भीतर कर्ता भाव नहीं होता, मनोमय कोष में कर्ता भाव नहीं है। कर्ता भाव कहाँ जाएगा? विज्ञान में कोष में, ठीक है, हाँ समझ में आ गए। हाँ तो भोक्ता भाव कहाँ जाएगा? हाँ भोक्ता भाव आनंद में कोष में जाएगा। लोग कितना विचित्र होगा, हाँ कर्ता भाव कहीं और है, कर्ता कोई और है और भोक्ता कोई और, यही तो झूठी चीज है। भोक्ता भाव विज्ञान में आनंद में कोष में होगा। प्रिय मोद और प्रमोद, उसकी ये तीन वृत्ति होती है, प्रिय मोद और पढ़ा होगा तस्य प्रियमेव शिरः, हाँ
तस्य प्रियमेव शिरः मोदा दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा। तो देखो अब वहाँ पर देखो अब आपके सामने जो बात है उसको शायद कोई पकड़ लो। तो आनंद में कोष में तीन वृत्ति आ रही जो भोक्ता हो रहा है, किसका? प्रिय, मोद और प्रमोद। ठीक है, विज्ञान मय कोष में ज्ञान है और कर्ता भाव है, और आनंद मय कोष में प्रिय, मोद, प्रमोद किसे मिलकर के भोक्ता भाव की वृत्ति हो गई। दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? इतना भाषण मैंने दे दिया सब जो है। शुरुआत में हमने कहा था मन में केवल संकल्प विकल्प चल रहा है, दुख नहीं हो रहा है। पर शुरुआत में कहा था कि जैसे इसने कहा था सुख दुख कहाँ होता है, मन में बोला, मैंने उसका निषेध कर दिया था। नहीं, मन में कोई सुख दुख नहीं होता, कहाँ होता है दुख, कहाँ होता है? विज्ञान में तो केवल ज्ञान है और कर्तृत्व का भाव है। जैसे ज्ञान पर जैसे ज्ञान होगा वैसे करेंगे, जैसे ज्ञान होगा वैसे करेंगे। तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि भोक्ता भाव विज्ञान में कोष में जा रहा है? अभी हमने क्या कहा था, भोक्ता भाव कहाँ जाता है? आनंद में कोष में, यही ना भोक्ता भोक्ता भाव आनंद में कोष में जा रहा है। और अगर आपने कहा प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, है ना, प्रतिकूलता का ज्ञान हुआ उसी से हम हो गए दुखी, तो आपने तुरंत दुखाकार वृत्ति का भोगने वाला किसको कह दिया? विज्ञान में कोष को। और विज्ञान में कोष में भोक्ता भाव होता नहीं। भोक्ता भाव होता है आनंद में कोष में, और आनंद में कोष में बस तीन प्रकार की वृत्ति है, प्रिय, मोद और प्रमोद। अभी मैंने श्रुति पढ़ दी। तस दुख कहाँ है? दुख है कहाँ? दुख आपकी बेवकूफी में है दुख आपके अज्ञानता से निकलता है जी आप किसी को चुटकी काटने में मजा आता है तो कटा लो, हाँ, शरीर खुजाने में मजा आता है तो हम क्या करें, हाँ? अरे एक जगह पर हम यही वरुण जी लेके जा रहे थे उधर नोएडा एक्सप्रेस वे पर, वहाँ पर एक होटल वोटल है तो वहाँ मछलियों से कटवाते हैं लोग नीचे, वो मसाज करती या क्या करती, मछली पाल के रखते है ना पैर में, वो ऐसे पानी में मछली रहती है, पैर डाल के रख दो और मछलियाँ उसमें जो है वो क्या करती, काटती हैं कि चलाती, क्या करती हैं? तुम लोग कराए तो थे नहीं? अब किसी को कटाने में अच्छा लगता तो कटाओ, हम क्या करें लेकिन भोक्ता भाव विज्ञान में कोष में नहीं होता, हाँ, आनंद में कोष में है, और आनंद में कोष में केवल तीन वृत्ति है, तो दुख है कहाँ? तो एक सूत्र जो तो याद आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि मन में है ना हम मना सुख दुख को, तो ये सूत्र था जो कभी पढ़ा था, उसी हिसाब से मन में है। ठीक है, उसमें कोई विरोध थोड़े हम कर रहे हैं। हम तो ये भी कह देते हैं कि पृथ्वी से वनस्पतियां पैदा हुई, वनस्पतियां से फिर आदमी पैदा हुए, अभी अभी पढ़ाएंगे आगे कल, हाँ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से अग्नि पैदा हुई, ये भी तो हम बता दे रहे हैं, और एक समय पर कह दिया कुछ पैदा ही नहीं हुआ, ये वाला सही कि वो वाला सही कह दो। अब हमारे ऊपर आओ ना कि स्वामी जी पहले आप तय कर लो कि ये वाला सही कि वो वाला सही। आप तो एक बार पूरा हिसाब बता रहे हो ना कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी से वनस्पतियाँ, वनस्पतियों से फिर मनुष्य, यही कह रहे हो ना, और एक क्षण में कह रहे हो कुछ पैदा ही नहीं हुआ। तो आप हमको कहो ना, आप पहले तय कर लो कि आखिर आप कहना, अगर आप उस सृष्टि प्रक्रिया को पकड़ के बैठ गए तो नहीं पकड़ पाओगे। तो किस प्रसंग में कौन सा उपदेश दिया जाता है उसको कहते हैं प्रसंग के अनुकूल आपको समझना पड़ता है।
अभी बार बार यही समझाया जा रहा है कि यहाँ पर सोपाधिक ब्रह्म की बात है कि निरुपाधिक ब्रह्म की बात है। लगातार 3 दिन से हम यही चल रहे हैं ना, भ्रम में ना हो जाए कि यहाँ निरुपाधिक ब्रह्म की बात है। आत्मा शब्द आएगा तो सोपाधिक की बात आ रही है कि निरुपाधिक की, ब्रह्म शब्द आ रहा है तो सोपाधिक की बात आ रही है कि अक्षर शब्द के 2 अर्थ हो गए। हाँ, दोनों का खंडन थोड़े किया गया है, पहले वाला भी सही है और दूसरे वाला भी सही है। किस समय पर कौन सी बात कही जा रही है आपको समझना है। जब सृष्टि, एक दिन शायद ऐसे कहा था, जब सारी सृष्टि की उत्पत्ति की तरफ देखता है तो वही अक्षर सोपाधिक है, यही कहा था ना। और जब सारी सृष्टि का निषेध हो गया तो वही अक्षर तत्व तो कौन हो गया, अब निरुपाधिक हो गया। ध्यान किधर है, बस चलिए ठीक है, इतना ही समझ लो बहुत है। अब इससे ज्यादा समझना हो तो घर और छोड़ के आश्रम जाना पड़ता है। कहाँ तक पहुंचे, इस दर्शन यथाचा प्राग उत्पत्ति, कोई भी वस्तु उत्पत्ति के पहले, यथाचा प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पहले परमार्थ तो असंतः, वो परमार्थ दृष्टि से थी नहीं उत्पत्ति के पहले, तो तथा प्रलीनश्चा, तो अंत के बाद भी वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अब वाला जो एक कार्य का रटाया था, कभी रट लो, आदा बनते चैन नास्ति वर्तमाने अपि तथा, बिल्कुल। अब देखो, अब आगे बढ़ना, यथा यहीं से है ना, यथा कारणानि मनश्च इंद्रियाणि च तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि, यथा जैसे समझ लो। अब यहाँ पर एक दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं, जैसे कारणानि, कारण, कारणानि माने सारे कारण, कौन से, मन और 11 इंद्रिय, सब अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, और शरीर विषय कारणानि, ये शरीर के जो जो शरीर है, इस शरीर के साथ में जो विषयों की उपलब्धि होती है, शरीर विषय कारणानि, इस शरीर के साथ जो विषयों की उपलब्धि होती है, वो सब का सब, देखो यथा जैसे करणानि सारे करण, करण मन कौन से, मन और इंद्रियां आदि सब का सब, उसी प्रकार से तथा जैसे, वहाँ ये समझ लो कि देखो, अब मंत्र के साथ में ध्यान देना, मंत्र में ऊपर की पंक्ति है, ऊपर की पंक्ति में पूरा अपने शरीर के साथ जोड़ा है, ठीक है ना। ए तस्मात जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाँ, तो पूरा का पूरा अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो जैसे अभी तक हमने आपको समझाया कि ये शरीर, इसके भीतर अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, ये सब के सब उत्पत्ति के पहले नहीं थी, वहाँ मूल अविद्या थी, अविद्या के कारण ये सब बन गया। उसी प्रकार से अब इस बात को 5 महाभूत में समझ लो, जैसे व्यष्टि में समझा तथा, जैसे व्यष्टि में समझा, उसी बात को अब ले जाओ कहाँ पर, समष्टि में। हाँ ठीक है ना, जैसे अपने भीतर समझा कि ये सब का सब उत्पत्ति के पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, मूल रूप से एक पर ब्रह्म है, उसको हम नहीं समझते तो सोपाधिक ब्रह्म, उससे सब उत्पन्न हुआ, उससे मिलीन हो जाता है। तथा उसी प्रकार से शरीर विषय कारणानि, ये शरीर आदि जितना है, ये जो सगत में जाके व्यवहार करता है, कहाँ पर, भूतानि 5ों महाभूतों में, वो सब का सब भी वैसे ही है। ये 5ों महाभूत भी उत्पत्ति के पहले नहीं था, जब प्रलय होगा तो ये भी ही नहीं। कौन 5ों महाभूत, खम आकाशम, पहले शब्द ले लियो, खम माने आकाश, हाँ, दूसरा शब्द है वायु, वायु कहते अंतर बाहि आवाहादि भेद, अंतर बाहि आवाहादि भेद, हाँ, समझ में आया कि नहीं। अरे अंदर श्वास लेते हो भीतर की तरफ, इतनी सी आसान सी बात है। देखो, आपने श्वास को अपने भीतर लिया और फिर कभी श्वास को आपने बाहर किया, तो जब श्वास को आपने भीतर लिया ना, अपने भीतर किया, तो उसको कहते हैं आवह,
आवह, तो आवाहादि, देखो शब्द है ना आवाहादि, आवाहादि। अच्छा जब भीतर लिया तो नाम पड़ा आवाह, हमने श्वास गहरी भर ली, जब छोड़ा तो उसका नाम है प्रवाह, तो वहां पर शब्द ना आवाहादि, आवाहादि भेदा, तो आहवा आहव आहव आदि, तो आदि से ले लो प्रवाह। प्रवाह माने आवाह माने श्वास लेना और प्रवाह माने श्वास छोड़ना, यही तो कहते हो हवा आई और हवा चली गई। समष्टि में क्या हुआ, वायु का वेग आया और वायु का वेग चला गया, तो ये सारी प्रकृति में अपने भीतर जैसे श्वास ऐसे सृष्टि में ये वायु, बिल्कुल उसी प्रकार से ज्योति माने अग्नि, आपह उद्गम, पृथ्वी धरित्री विश्वस्य, पृथ्वी कौन जो सारे विश्व को धारण करने वाली है वही पृथ्वी। तो एतानि च शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तर उत्तर गुणानि पूर्व पूर्व गुण सहितानि एतस्माद् एव जायन्ते। अब लो, अब अगर नहीं पढ़ा है तत्व बोध वगैरह तो कैसे समझाऊं फिर, है ना, तत्व बोध पंचीकरण वाला आ गया ना। देखो एतानिचा, एतानिचा ये पांचों महाभूत, एतानिचा माने पांचों महाभूत पे समझो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय हो गए। उत्तर उत्तर गुणानी, उत्तर उत्तर गुणानी माने पहले वाला उत्तर उत्तर माने जो जो बना अभी, जो बना अभी, जैसे वायु बना उत्तर, वायु आकाश से वायु बना तो वायु हो गया उत्तर, उत्तर तो इसके पहले आकाश था, तो पूर्व 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 गुण तो इसके पहले आकाश था, तो आकाश वाला जो गुण है वो वायु में भी आ गया। वो पंक्ति का अर्थ मैं समझा रहा हूँ, बाकी सिद्धांत तो पढ़े हुए हो तुम लोग ना, कि जैसे आकाश का एक गुण है शब्द, तो आकाश से वायु बना तो वायु में उसका अपना गुण हो गया स्पर्श, और आकाश का गुण शब्द भी आ गया, है ना, ठीक है, हाँ है ना। ऐसे पांचों महाभूत को, तो इसी को पंक्ति में समझ लो, ये भाष्य की पंक्ति समझो, एतानिचा इस प्रसंग में इसमें पांचों महाभूतों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है, उत्तर उत्तर जो बना बाद में, जो बना उसमें पूर्व के पूर्व पूर्व गुण सहितानि, पूर्व वाला गुण उसमें आकर के समाता गया, ए तस्मा देव जायते। ये सब पांचों महाभूत और पांचों महाभूतों के विषय ये सब इसी सोपाधिक ब्रह्म से पैदा हुआ, फिर से ले आए वही ना, ए तस्मात, देखो ए तस्माद इसी से पैदा हुए, उस एव ते ए तस्मात एव, इसी से ही, निरुपाधिक ब्रह्म को भूल के मत लाना, शुद्ध आत्मा को भूल, देखो ए तस्माद एव जायते जानते, समझ में आया नहीं पांचों महाभूत वाला कि नहीं, सबको नहीं समझ में आ रहा, आप इसीलिए रोज पढ़ते रहो, तो ये हमारे जगदानंद जी पढ़ाया करते थे हमेशा, आते ही नहीं लोग सत्संग। सबसे पहले आकाश पैदा हुआ, आकाश पैदा, आकाश का गुण है शब्द, आकाश से वायु बनी, वायु में अपना गुण है, अब वायु में अपना गुण है स्पर्श, लेकिन जब वायु बन गई तो आकाश से बना, तो आकाश वाला गुण भी उसमें थोड़ा सा समा गया। जैसे आप लोग खाना वाना बनाते हो, खाना बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, पहले डाल दिया हींग, तेल डाला, तेल में हींग डाल दिया, उसके बाद आपने डाला आलू, तो आलू में हींग की गंध आ गई कि नहीं, क्यों आ गई, तो बस ऐसे समझ लो, समझाने के लिए हम कह रहे हैं, तो ऐसे समझ लो। फिर वायु से बना अग्नि, वायु से तेज बना अग्नि, तो अग्नि का अपना गुण है रूप, और चूंकि वायु से बना तो वायु वाले दोनों गुण उसमें आ गए, शब्द और स्पर्श दोनों आ गए। फिर वायु से बना जल, हाँ कितना आसान सा है, हाँ अभी भी साइंटिस्ट भी कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, यही कहते हैं ना, हाइड्रोजन जो है जलीय पदार्थ है और ऑक्सीजन वायु है, तो अग्नि और जल, बस यही तो है। तो अब उसमें जब जल बन गया तो जल का अपना गुण है रस, और पूर्व में जो और तीन थे वो भी इसमें आकर के
थोड़ा थोड़ा समा गया तो जल में चारों चीज हो गया। हाँ अब भाई जल को ऐसे ऐसे फेंटो तो आवाज आती है कि नहीं? हाँ कहते हैं कल कल की ध्वनि चल रही है, कल कल हाँ गंगा की लहरें, पुराने समय पढ़े थे गंगा की लहरें। हाँ तो जल जल में एक हल्की सी ध्वनि है, फिर जल में स्पर्श करो वो भी है, जल को आप बर्फ बना दिए या वो नदी के रूप में दिखाई पड़ता है, जल ना होवे तो मेज मेज न रहे, उस तत्व इसमें है। हाँ सब उसी के सुन अंत में पृथ्वी का समझ लो, ऐसे हो गया। आगे देखो, हाँ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब ये पूरे प्रसंग को यहाँ पर समझा रहे हैं, इस पूरे ऊपर के तीन मंत्रों को समझा रहे हैं और इसके बाद जो मंत्र आएंगे दो उसको समझने के लिए खूब दिमाग लगाना पड़ेगा। इस उपनिषद में गंभीर, आप समझो उपनिषद पढ़ने बैठे हो, इससे बढ़ के और कोई विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है। हाँ तो जैसे कोई पीएचडी की क्लास में बैठा हो तो फिर बहुत ध्यान चाहिए, तो ये साधारण नहीं है। हाँ कल आपने कहा था कि आगे सरल है बस मुश्किल वाला आपने बता दिया आगे सरल है बोला तो था ये बात तो बोला तो था आप इसलिए कहते हैं कि भागे अगली पंक्ति देखो, अगली पंक्ति देखना संक्षेपता, देखो शब्द यही होगा ना संक्षेपता माने, अब सार कर रहे हैं उपसंहार, ये तीन मंत्रों का एक तरीके से समरी हो रही, तीन मंत्रों का उपसंहार कर संक्षेपता, पर विद्या विषयम अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो ही अमूर्त इत्यादिना मंत्रेण उक्त्वा। यहाँ तक समझो, संक्षेप में विषय को समझो कि इस उपनिषद में दो विद्या की बात कही थी शुरुआत में, पराविद्या और अपराविद्या, उस सूत्र को पकड़ के रखना। तो पर विद्या विषयम, जो पराविद्या का विषय था कौन सा? अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो पराविद्या का विषय कौन सा था? अक्षर। देखो तो भगवान भाष्यकार को कुछ भूला नहीं है, सब वहीं से पकड़ के रखना। संक्षेपता, संक्षेप में इसका भाव समझो, पराविद्या विषयम, जो परा विद्या का मूल विषय था कौन? अक्षरम तत्व का ज्ञान। वो अक्षर कौन सा? भूल ना जाना, गड़बड़ मत कर लेना, सविशेष वाला मत ला लेना बीच में। कौन? निर्विशेषम पुरुषम, ठीक है ना, लगता है आप लोग विद्वान हो गए। निर्विशेषम माने शुद्ध परब्रह्म, वो कैसा है? सत्यम दिव्यो ही अमूर्तः इत्यादीन ए मंत्र से उस परब्रह्म का निरूपण कर दिया गया उक्त्वा, ठीक है। तो ए दिव्यो अमूर्ता, ये जो मंत्र है ये निर्विशेष ब्रह्म का, निरुपाधिक ब्रह्म का निरूपण है, जो परा विद्या के द्वारा जाना जाता। अब नीचे देखो, पुनः, इसलिए है पुनः तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम इति प्रावृत्ते। देखो अब उसी पुनः, पुनः माने फिर से, तदेव, तदेव माने वही निर्विशेष ब्रह्म जो पहले बताया था, वही जब माया शक्ति से जुड़ गया तो कौन हो गया? सविशेष। देखो अब कौन हो गया? सोपादे, है ना, वही सोपादिक ब्रह्म कौन हो गया? विस्तरेण वक्तव्यम, उसका विस्तार से बताना चाहिए। वो अपरा विद्या वाला को भी तो समझाना पड़ेगा ना, बिना अपरा विद्या को समझे परा विद्या की बात नहीं समझ में आएगा। तो सविशेष को भी विस्तरेण वक्तव्यम, उसका भी विस्तार से व्याख्यान करना चाहिए, इसके लिए प्रावृत्ते, उसके लिए प्रवृत्त होते हैं। क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों? अब विस्तार में उसको क्यों बताने जा रहे हो? करें संक्षेप विस्तार उक्तो ही पदार्था सुखादि गम्यो भवति सूत्र भाष्य उक्तिवत इति।
एक ये सब शैली सुना है ना, सूत्र भाष्य शैली, कई बार कहा गया, जो बात कहनी होती है पहले हम एक लाइन में कह देते हैं और उसके बाद उसका हम पूरी विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो एक लाइन में कह दिया तो हो गया सूत्र, और जब विस्तार में समझाए तो उसका हो गया भाष्य, सूत्र भाष्य शैली है ना। तो उसी बात को करें, संक्षेप विस्तार उक्ता, संक्षेप माने सूत्र, विस्तार उक्ता, विस्तार माने भाष्य, संक्षेप विस्तार, एक लाइन में बात कह दी और उसके बाद उसका किया हमने विस्तार। हाँ, उक्ता ही पदार्थ, जब इस प्रकार से कोई बात समझाई जाती है तो सुखादिगम्य, बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाती है। इसीलिए इस शैली का आश्रय लेकर के हम आगे की बात समझाने जा रहे हैं। कौन सी शैली? सूत्र भाष्य उक्तवत, सूत्र भाष्य की शैली से। कितना बढ़िया है, कितना आसान सा है। सूत्र भाष्य माने एक लाइन में बात कहे दो बस। अभी भी संसद वगैरह में भी ऐसे होता है ना, विधानसभा में होता नहीं। मान लो जो है अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो सबसे पहले वह कहेगा कि मैं इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हूँ या इस प्रस्ताव के पक्ष में, पहला शब्द ये बोलेगा, और फिर उसके बाद उसका जो है अपना भाषण शुरू कर देगा। तो पहले एक लाइन में जब उसने कह दिया कि मैं इस प्रस्ताव के विपक्ष में खड़ा हूँ, तो इसका नाम हो गया सूत्र। क्यों विपक्ष में हो? उसके फिर हाँ फिर वो भाषण देना शुरू होगा तो दूसरी तरफ हल्ला होवेगा, ये सब होता है। तो ये दो सूत्र और भाष्य की शैली। जैसे सूत्र शैली में हम कह दें कि तुम ब्रह्म हो, बोले हाँ महाराज हम ब्रह्म हैं, लेकिन आज बड़ा दिल दुखी हो रहा है। तो बोले वाह रे ब्रह्म, दिल दुखी हाँ बताइए, हाँ तो ब्रह्म के दिल होता है <ले लो। laughs> चलो अगला मंत्र पढ़ो, हो गया। तुम लोग जो है अच्छा, अभी कुछ भाष रह गया। हाँ अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए, यो आपि प्रथम जात यो आपि प्रथम जात प्राणात हिरण्य गर्भात जायते अंडस्य अंतर विराट सा तत्व अंतरित्वेन लक्ष्यमाणो अपि एतस्माद एव पुरुषात जायते एतन्मयश्च इति एतद अर्थम आह तमचा विष्णुष्टि। हाँ आप समझिए, हमने समझाया ना एक बात ना, इतना तो समझ में आ गया कि ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक सोपाधिक और एक, इतना तो स्पष्ट हो गया है ना, इतना समझ में आ गया ना। निरुपाधिक ब्रह्म में उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, वही असली तत्व तो है। और सोपाधिक ब्रह्म से सारा का सारा जगत पैदा हुआ, क्योंकि जो सोपाधिक है वो माया शक्ति को धारण किया है ना, माया शक्ति अविद्या प्रकृति को धारण किया, तो सोपाधिक हो गया, सविशेष हो गया, उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती। कैसे उत्पन्न होती है उस बात को कह रहे हैं। अब यहां समझना, ये जो हाँ कहाँ गया, हाँ यह अपि, ये जिसको बताया गया सोपाधिक वाला, कौन था सोपाधिक? प्रथम जात, सबसे पहले पैदा हुआ। प्रथम जात माने सबसे पहले, हिरणगर्भ। हम वेदांत में सबसे ज्यादा आप हिरणगर्भ को आप पकड़ के रखना, ब्रह्मा और सब बातें जो है वो पुराण में आएगा। वेदांत में वैदिक दृष्टि में सबसे ज्यादा आपको पकड़ के रखना होगा हिरणगर्भ, हिरणगर्भ को। हिरणगर्भ माने जिसके गर्भ में दुनिया है, जिसके अंतर्गत सारा कुछ है। तो जैसे आप एक घर बनाने की कल्पना करो, अभी घर बनाया नहीं, कागज पे नक्शा खींच रहे हो, तो आपके भीतर पूरे घर का नक्शा आपके अंदर है। हमको दो कमरा चाहिए, रसोई चाहिए, अमुक अमुक चाहिए, तो कहाँ है? आपके भीतर। उस वैसे ही सारी सृष्टि जिसके भीतर, वो कौन है? प्रथम जात। हिरण गर्भ को हम कहते हैं प्रथम जात। देखो फिर से, प्राणात्, इसके पूर्व के मंत्र में आया था ना, ये तस्मात जायते प्राण, वही समष्टि प्राण है, सारे जीव उसी के भीतर होते हैं। प्राणात नाम क्या दे रहे हैं उसको? हिरण्य गर्भात,
वही हिरणगर्भात्, हिरणगर्भ उससे जायते, उसी प्रथमज प्राणात हिरणगर्भात जायते, उसी से पैदा सब होता है। कैसे पैदा होता है? अंडस्य अंतर, जैसे अंडे के अंदर, अंडस्य अंतर जैसे अंडे के अंदर क्या होता है जैसे अंडे के अंदर, अब ऊपर से तो अंडा दिखाई पड़ रहा है सफेद सफेद, उसके अंदर उसकी चोंच भी होगी, उसके पांव भी होंगे, उसके टांग भी होगा, भले सूक्ष्म रूप में हो। हाँ, अंडस्य, हाँ क्या समझ में आ गया ना, अंडस्य अंतर, वैसे हिरण गर्भ के भीतर, जैसे अंडे के भीतर पूरा एक प्राणी होता है, ऐसे उस हिरण गर्भ के भीतर जो है कौन है? विराट। अब विराट शब्द ध्यान देना, उसके भीतर, किसके भीतर? हिरण गर्भ के भीतर, अंतः विराट। सा तत्व अंतरित्वेन, वह तत्व रूप से अपने भीतर, हिरण गर्भ अपने भीतर ही विराट को रखे रहता है। लक्ष्यमाण अपि, वह लक्षित कराए जाने पर जब वह हिरण गर्भ संकल्प करता है तो वह विराट एतस्माद एव, वह विराट पुरुष सबसे पहले पैदा हुआ। माने जैसे कहते हो अंडा फोड़ के पैदा हो गया, ऐसे उसके भीतर जब भाव पैदा हुआ हिरण गर्भ, तो उसके भीतर से अब सबसे पहले उस हिरण गर्भ रूपी ब्रह्मांड से, यही कहते हो ना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में अब कौन पैदा हुआ? विराट, विराट हाँ, वो पैदा हुआ। वो कहाँ से? उनके भीतर से उत्पन्न हो गया, उनके भीतर से उत्पन्न हो गया। ए तस्माद एव पुरुषात जायते, अच्छा जब उससे पैदा हुआ तो उसी के जैसा है, जिससे पैदा होगा उसी के जैसा है। हाँ, बस इसी बात को करें। हाँ, ए तस्माद एव पुरुषात जायते एतन्मयश्च, जिससे पैदा होगा उसी के जैसा होगा। अब आजकल वर्ण संकर करते हैं ना, दो चीजों को मिला करके, आम अच्छा भला है दशहरी का, ना जाने कौन से आम के साथ उसकी डाल जोड़ दिया, हाँ किसी और के साथ जोड़ दिया, तो क्या हो गया वो? अब वो जो बना आम उसमें दो का संस्कार आ गया ना, जब दो का संस्कार आ गया तो दोनों के जो है उसमें कुछ ना कुछ मिल करके स्वाद आ गया, दोनों का स्वाद मिल करके आ गया। ऐसा आजकल बहुत चल रहा है, करते हैं वर्ण संकर। लेकिन जिससे पैदा होगा उसका गुण तो रहेगा ना उसमें, जो मूल है उसके गुण का निषेध नहीं हो सकता। तो एतन्मयश्च इति एतद अर्थम आह, इसी बात को समझाया जा रहा है। तम च विसृष्टि, इसको विशेष रूप से समझने का प्रयास करो। अब आगे समझना, विराट पुरुष किसको हम कहते हैं? अब समझिए, भगवान, पहले हमने कहा था ईश्वर, बार बार शब्द प्रयोग किया था सोपादिक ब्रह्म के लिए, ईश्वर याद है ना, माया उपय चेतन सोपादिक ब्रह्म ईश्वर। अब हम जिनको भगवान कहते हैं उनकी बात समझो, विराट पुरुष। का हुआ, नहीं समझ आ रहा क्या? अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, दिशा श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः, वायो प्राणो हृदयं विश्वमस्य, पद्भ्यां पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, दिशा श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः, वायो प्राणो हृदयं विश्वमस्य, पद्भ्यां पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा, ये सारा जगत ही विराट पुरुष का अंग है समझो। हिरण गर्भ से जो प्रकट हुआ ये सारी सृष्टि विराट पुरुष है। कैसे विराट पुरुष है?
अग्निर्मूर्धा, यहाँ पर जो अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द आया ना, अग्नि शब्द को आप यह पूरा का पूरा द्यूलोक समझो। अग्नि ये चूल्हे वाली अग्नि नहीं, हाँ ये अग्नि नहीं, अग्नि का अर्थ होगा द्यूलोक, ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष, ये पूरा का पूरा अनंत अनंत आकाश, ये विराट पुरुष का सिर है। अग्निर्मूर्धा, अग्निर्मूर्धा माने द्यूलोक उसका कौन हो गया, सिर हो गया, यही परमात्मा का विराट पुरुष का ये सिर है। उसके नेत्र चक्षुषी, नेत्र दो होते हैं, तो उसके नेत्र कौन, चंद्रमा और सूर्य, ये दो नेत्र हो गए, क्या बढ़िया बात है। तो ये जो दिशाएं हैं ये कौन है, वो विराट पुरुष के कान हैं जी, ये वो विराट पुरुष के कान हैं, ये सारी की सारी दिशाएं। हाँ सावधानी से रहना, इसलिए भगवान सब सुनते हैं, हाँ क्योंकि उनका कान विराट है, सब जगह पर है, हाँ तो सारी दिशाएं। तो अब आप अगर कमरे में चोरी से भी कुछ बात करते हो तो कोई सुनने वाला वहाँ है, हाँ। दिशा स्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा, ओ विराट पुरुष की जो वाणी है वही वेद है, विराट पुरुष का श्वास प्रश्वास जो वाणी है वो उनका वाणी उपदेश वही वेद है। आप भगवान की बात मानते हो कि नहीं, भगवान की बात मानते हो कि नहीं, हाँ वेद की बात मानते हो कि नहीं, अगर वेद की बात मानते हो तो भगवान की बात मानते हो, और वेद की बात नहीं मानते हो तो भले कहो कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं लेकिन भगवान की बात फिर देखो क्यों, वाक विवृताश्च वेदा, उस विराट पुरुष की वाणी ये वेद है। वा अच्छा श्वास भी लेता होगा विराट पुरुष, बोले और क्या, कभी कभी गहरी श्वास लेते हैं तो सुनामी लहर आ जाती है, यही है ना। अरे भाई मान लो आप भी कभी ऐसे मुंह खोल करके वो व्यायाम वगैरह करते हालो हाँ, और उसमें पांच छह मच्छर आ जाते होंगे, तो जीव वो जो अंदर जीव आते होंगे आपके मुंह के अंदर, वो कहते होंगे लहर आ गई। ऐसे ये जो वायु चल रही विराट पुरुष की क्या है, वायु है। अच्छा हृदय फिर विराट पुरुष का कौन, हृदयम विश्वम, ये सारा का सारा विश्व ही, सारी सृष्टि ही उसका हृदय। आप सब भगवान के हृदय में हो, आप सब भगवान के हृदय में हो जी, हाँ तो अब भूले हुए हो, हाँ जैसे हमारे शरीर में कोई एक कीड़ा होगा पेट में और दूसरा कीड़ा होगा यहाँ छाती पर, वो दोनों आपस में लड़ते होंगे, मेरी जमीन में क्यों घुस आया तू, अंदर लड़ते होंगे बिल्कुल, हाँ क्या कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, हाँ रेड ब्लड सेल्स, तमाम तरह का जो है जीव, हे महाराज वो जो एक कम हो जाता है ना डेंगू होने पर कम हो जाता है ना, प्लेटलेट कैसे गिनते हैं वो जीवित हो, जितने प्लेटलेट गिना 4 लाख वो जिंदा सेल्स हैं कि मरे हुए हैं, वो सेल्स जिंदा हैं या मरे हुए, 4 लाख काउंट किया उन्होंने, जिंदा हैं इसका मतलब वहाँ 4 लाख कितने में इतने, और आपके शरीर में तो कितना सारा खून है महाराज, गिनते जाओ तो सब पूरा आपका शरीर भी एक ब्रह्मांड ही है। किसका, अस्य, यहाँ पर अस्य शब्द है, अस्य का अर्थ होता है इसका, अस्य शब्द को बदल लो यस्य, जिसका ये है वो विराट पुरुष है। देखो अब मंत्र को समझने के लिए, जैसे पहले हमने अग्नि को कह दिया कौन, द्यूलो, और यहाँ यस्य अस्य माने कौन होगा, यस जिसका, ए जिसका ये द्यूलोक सिर है, सूर्य चंद्र उसके नेत्र हैं, ये वायु ही उसके श्वास हैं, वाणी उसके वेद हैं, जिसका ये सब है, उसका पांव कहाँ पर, ये पृथ्वी है, पदभ्याम पृथ्वी, उसके चरण कहाँ हैं, चरण ये पृथ्वी उस विराट पुरुष के चरण हैं, जो उसके चरण पर ही आप सबको धारण कर लिया गया, ही एस सर्वभूतांतरात्मा, सभी का वह, देखो पृथ्वी पदभ्याम
उस विराट पुरुष के पांव कौन? पृथ्वी। हो गया यहां। अब यहां पर लेना, अस्य ही एष सर्वभूतांतरात्मा, यह जो विराट पुरुष है ये कौन है? एष, यह विराट पुरुष कौन है? सर्वभूत अंतर, सभी प्राणियों के हृदय में व्याप्त हो गया है, इससे कोई अलग नहीं। जैसे अब ये जितना विराट पुरुष का स्वरूप वर्णन किया भगवान का, सिर ए है, दिशाएं कान है, अमुक अमुक है, तो उससे आप अलग हो क्या? उसी में हो, तो आपके भीतर वही तो है, तो आप भगवान से दूर कहाँ हो? अब भगवान से कहाँ दूर हो? इस दृष्टि से देखो तो भगवान मिले हुए हैं कि नहीं? लेकिन समस्या तब होती जब आपको आपको देखना है भगवान बांसुरी लिए हुए दिखाई पड़ जावे, भगवान इस रूप में दिखाई पड़ जावे, बस वहीं पर आप झेल गए। इस रूप में तो भगवान आपके साथ मिले हुए हैं, आप भगवान मैं हो। तो भाष्य देख ले क्या थोड़ा सा, कि कल पढ़े थोड़ा सा है, कल पंचांग विद्या, कल वाला मंत्र पंचांग विद्या में आ जाएगा, पंचांग विद्या का आ जाएगा। देखो पढ़ लो, अग्नि द्युलोक, अग्नि को द्युलोक समझ लो। भाष्यकार कह रहे हैं अग्नि शब्द है ना मंत्र में, अग्नि द्युलोक, उसको द्युलोक समझो। क्यों द्युलोक समझें? असौ वाव लोको गौतमाग्नि, क्योंकि वेद में ऐसे बताया गया है। कहाँ? पंचांग विद्या में, कल समझाएंगे। पंचांग विद्या में वहां पर उद्दालक ऋषि को उपदेश दिया गया कि असौ वाव लोका गौतम अग्नि, यह जो द्युलोक है यही प्रथम अग्नि है। पंचांग में पांच अग्नि है, पांच अग्नि है याद है, द्युलोक, दूसरा पर्जन्य, तीसरी पृथ्वी, चौथा पुरुष, पांचवा योषित। अच्छा उसमें देख रहे हो पहले से जो है, तो ये पांच अग्नि तो वो उपनिषद में लिखा है, इसलिए ऐसे मान लो। इति श्रुते मूर्धा यस्य उत्तमांगम शिरः, अरे दूसरी भी बात है, सबसे श्रेष्ठ हिस्सा कौन है? मूर्धा, ये उत्तम अंग है, तो विराट पुरुष का सबसे उत्तम अंग आकाश वही है। चक्षुषी चंद्रश्च सूर्यश्च इति चंद्र सूर्य, ये समास हो गया। यस्य इति सर्वत्र अनुसंग कर्तव्य, देखो चक्षुषी, चक्षुषी मंत्र में लिखा है, चंद्र सूर्यो, चंद्र चंद्रश्च सूर्योश्च, वो विराट पुरुष के नेत्र कौन है? दो, चंद्रमा और सूर्य। यस्य इति, जिनके ये हैं उसका नाम है विराट पुरुष। यस्य इति, जिसके नेत्र चंद्रमा सूर्य हैं और सिर द्युलोक है, वो कौन है? विराट पुरुष। यस्य इति, जिसका है। अब यहां पर एक चीज, यस्य इति सर्वत्र अनुसंग कर्तव्य, यस्य इति को सब जगह पर मिला लो। सर्वत्र अनुसंग, जैसे जिसका द्युलोक सिर है, देखो सबके साथ मिला रहे हैं, द्युलोक जिसका सिर है वो विराट पुरुष है। यस्य वहां ले आए, जिसका फिर से ले आए, यस्य जिसका सूर्य चंद्र नेत्र है वो है विराट पुरुष, तो यस्य को वहां भी ले आए ना। यस्य माने जिसका, जिसका श्वास लेना ही प्राण है, वायु है जिसका, तो ये यस्य को सबके साथ जोड़ लो। इसी कह रहे हैं यस्य इति सर्वत्र अनुसंग कर्तव्य, यस्य शब्द को सबके साथ जोड़ोगे तो विराट पुरुष के सारे अंग प्रत्यंग हैं। आगे देखो मंत्र में तो अस्य है ना, वायु प्राणो हृदयम विश्वम अस, तो अस्य के लिए कह रहे अस्य इति, अस्य पदस्य वक्षमाणस्य यस्य इति विपरिणामम कृत्वा, जो अस्य है मंत्र में उस पद को, अस्य रूपी पद को जो वक्षमाण जो कहा जा रहा है उसको यस्य में परिणत कर लो, बदल लो। अस्य को यस्य भाव में ले आओ, अस्य माने होता है इसका, इसका तो हमको वो दिखाई तो इसे थोड़े पड़ रहा है कि हम कहेंगे इसका, जो सामने दिखाई पड़ता है उसको हम कहते हैं इसका, और हमको प्रतिपादन करना है विराट पुरुष का, तो आंखों से वो प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहा है विषय के रूप में, तो हम क्या कहेंगे? जिसका, जिसका, ठीक है।
हो गया, आगे आगे बढ़े। अब आगे देखो आसान है, दिशा स्रोत्रे यस्य, देखो यस लय है ना, सारी दिशाएं जिसका कान है, कान है। वाग विवृता उद्घाटिता प्रसिद्धा वेदा यस्य, वाग विवृता श्लोक में मंत्र में है, तो उद्घाटिता प्रसिद्धा जिनकी वाणी ही सारे के सारे भेद हैं। वायु प्राणो यस्य, फिर तो को यस्य ले आए ना, जिसका ये जो वायु चल रही वही उस विराट पुरुष के प्राण हैं। अब आगे, हृदयम अंतःकरणम विश्वम समस्तम जगद अस्य यस्य इति एतत्। हृदयम अंतः, मंत्र में हृदयम शब्द है, मंत्र में हृदयम विश्वम, ये दोनों शब्द है तीसरी पंक्ति में, हृदयम विश्वम। तो जैसे कहा था ना, ये पूरा का पूरा विश्व ही उस विराट पुरुष का हृदय है, तो कह रहे हैं हृदयम सर्वम ही अंत, हाँ कहाँ गया, बोल, हृदयम माने अंतःकरणम। अब हृदय को कहाँ समझ लिया एक शब्द में, हृदय माने समन्वित अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मिला लो, हृदयम माने अंतःकरणम। किसका, ये सा ओ परमेश्वर का जो हृदय है वही ये सारा का सारा विश्व है, जगत है इसी। हाँ अच्छा, अब इसी बात को समझा रहे हैं, हृदय को अंतःकरण क्यों कहा, हृदय को अंतःकरण क्यों, सर्वम ही अंतःकरण विकारम एव जगत, लो सब का सब, सर्वम ही अंतःकरण विकारम एव जगत, ये जितनी दुनिया दिखाई पड़ रही ये सब अंतःकरण का विकार है, आपके मन बुद्धि का खेल है, कुछ है ही नहीं। देखो सर्वम ही, सर्वम ही सब पूरा का पूरा, सर्वम ही माने क्या, पूरा जगत क्या है, अंतःकरण, ये देखो जगत नीचे है ना, सर्वम ही अंतःकरण विकारम एव जगत लिखा ना, तो सार्वम जगत पहले ले आओ, सार्वम जगत ही अंतःकरण विकारमेव मनसी, पूरा का पूरा ये सारा जगत अंतःकरण का विकार है, और कहाँ पर है, आपके मन, मनस माने मन, मनसी एव, मनस से वहाँ पर लिखा है ना, संधि करो, मनस एव, मन के भीतर ही, जैसे आप स्वप्न का दृष्टांत ला सकते हो, जैसे पूरे स्वप्न का मैं कौन हूँ, विराट पुरुष हूँ, पूरे स्वप्न का मैं ऐसे पूरा का सब मनस में। अब देखो ना स्पष्ट है, सुसुप्ते प्रलय दर्शना, जैसे आप जग जाते हो तो सपना टूट जाता है, यहाँ हम सो गए तो हमारी सारी दुनिया सब गायब। हाँ तत्र वेदा अवेदा भवती, वहाँ तो सब का सब गायब, सुसुप्ते प्रलय दर्शना। अच्छा अरे तो हम जगे हैं, तो जब जगे हैं तो कहते हैं जागरते यपि, जैसे आप सुषुप्ति में अंतःकरण का ही विलास था तो सो, अंतःकरण सो गया तो आपकी सारी दुनिया सो गई, ऐसे जागृत अवस्था का भी समझ लो सब अंतःकरण में ही है, असल में आपकी आत्मा में नहीं। जागरते अपि, जागृत अवस्था में भी एव अग्नि विस्फुल्लिंग वत् प्रतिष्ठानात्, जो जागृत अवस्था में हमको दिखाई पड़ता है इदम इदम ये सारा का सारा, कैसे, तो पहले कहा था कि जैसे अग्नि जलती है तो उसमें से चिंगार, छोटी छोटी चिंगारियाँ, सब चिंगारी की जैसे है, जब अंतःकरण जग गया तो छोटे छोटे सब दिखाई पड़ते हैं, असल में कुछ है ही नहीं। यस्य चा पदभ्याम जाता पृथ्वी, यस्य फिर से जिसका, उस परम पुरुष का, उस विराट पुरुष के पांव कौन, ये पृथ्वी, एस देव, अब नाम रख लो, वो विराट पुरुष का एक नाम रख दो, बिना नाम के काम कैसे होगा, नाम रखो उसका, क्या नाम रखो, अच्छा अच्छा, येस देव विष्णु, देखो नाम रख दिया, संज्ञा अभिधान, इस विराट पुरुष का एक नाम हो गया विष्णु, विष्णु अनंतः, इनका आदि और अंत नहीं। अब भाई आकाश का आदि अंत कैसे देखोगे, अनंतः प्रथम शरीरी, प्रथमज नहीं, प्रथमज कौन था वो, हिरणगर्भ, प्रथमज माने हिरणगर्भ, प्रथम शरीरी, देखो वो पहले पैदा हुई है लेकिन सबसे पहले आकार में जो पैदा हुआ, आकृति वाला प्रथम शरीर, विराट पुरुष सबसे पहले एक शरीर, एक पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है। हिरणगर्भ में तो ऐसे पढ़ते हो ना कि वो उसमें तमाम न जाने कितने ब्रह्मांड होंगे, प्रथम शरीरी
अरे ऐसे समझ लो त्रैलोक के देह उपाधि, जैसे हमारा कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोक आकाश पाताल और मर्त्यलोक, यही शरीर उसकी उपाधि है। सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा, सभी प्राणियों का वही अंतरात्मा है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।